नमस्कार सारा दुनिया रा खबर अपडेट कुने खबर चुटकी सहित मु मानसी सारा विश्व रे पालित हेउची अंतरजातीय महिला दिवस आजर दिन को सारा विश्व अंतरजातीय महिला दिवस भाबे पालन करूची सारा विश्व रो महिला मानुकु सम्मान ओ श्रद्धा देबा सह सेमानको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक ओ अर्थनैतिक विकास प्रति स्वतंत्र ध्यान देबा ई दिवस पालन रो आभिमुख्य किंतु एबे भी विश्व रो अनेक देश रे असमानता रहीची समान अधिकार एबे भी अपहंच रहीची महिलाटी को भेदभाव रो शिकार हेबाकु पडुची बाल्यकाल रे पिता जौवन रे स्वामी ओ वृद्धकाल रे निज पुत्र मानक नियंत्रण रे महिलाटी को रहिबाकु पडुची ओडिशा रा अनेक अंचल रे कन्या संतान को संख्या आशातीत भाबे कमी कमी जाउची तेबे ही दिवस पालन रो माने किछि थिबा परि मने हेउ नाही फेब्रुवारी 23 रो आरंभ होइतिबा मैट्रिक परीक्षा आजि सरिला बहु सफलतार सह एही वर्ष रे परीक्षा शेष होइछि चलित वर्ष 608,053 रु ऊर्ध छात्र छात्री परीक्षा देथिले तेबे 2818 टी परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा होइथिला 37 टी स्क्वाड रे प्रथम थर पई 95 जन अध्यापक को शामिल करा जायथिला बोर्ड रो निष्पत्ति अनुसार स्कूल रो 10 किलोमीटर परिधि मध्य रे सेंटर मान स्थिर करा जायथिला तेबे केतेक असाधु राजनैतिक व्यक्ति द्वारा परिचालित गणमाध्यम रे परीक्षा परिचालना ठारु आरंभ करी प्रश्नपत्र विभ्राट सह वायरल भली रोचक खबर एबे भी छात्र छात्रि को भविष्यत प्रति विपद सृष्टि करूछि असंतुष्ट टीडीपी मंत्री दे पारंती इस्तफा एबे मोदी नायडू को आलोचना को अपेक्षा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र राज्य पाया पई दाबी करथुवा बेले केन्द्र सरकार एथिसह सहमति देउनाहंती एही कारणरु मोदी को कैबिनेट रे शामिल थिबा टीडीपी रो दुई जण मंत्री इस्तफा दे पारंती किंतु टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एही मामला नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह आलोचना करिवार अछि कुहा जाउछि जे प्रधानमंत्री को सह आलोचना परे नायडू निजरा मंत्री को शेष आदेश देबे रेफ्रोक आंदोलन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेखिले 5.5 लाख महिला रेफ्रोक आंदोलन को समर्थन जनाई 5.5 लाख महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखिछंती दिल्ली महिला आयोग द्वारा सत्याग्रह और रेफ्रोक आंदोलन अभियान आरंभ होइथिला 35 दिन रो अभियान रे आंदोलन को अद्भुतपूर्व सफलता मिलिछि महिला माने नरेंद्र मोदी को निजर दरदी हृदय कथा लिखिछंती तेबे मोदी को दरदी पणिया को अपेक्षा मात्र मुश्किल रे बे उत्तर कोरिया रो चिंता बढ़ाइला भारत लगाइला नूतन प्रतिबंधक गोटिए पटे मिलित जातिसंघ पक्षरु प्रथमे उत्तर कोरिया उपरे व्यावसायिक प्रतिबंधक लगाइछि त अन्य पटे भारत एवं उत्तर कोरिया सह कारबार को नै नूतन प्रतिबंधक लगाइछि वाणिज्य मंत्रालय पक्षरु जारी विदेशी वाणिज्य विभाग रो विज्ञप्ति अनुसार अशोधित तैलर जोगाण बिक्री एवं एहार रप्तानी सह आमदानी मिलित जातिसंघ द्वारा करा जाइथिबा व्यावसायिक प्रतिबंध अनुसार हेबो जहाज उपरे लगा जाइथिबा व्यावसायिक प्रतिबंधक को मध्य एबे आहुरी बढ़ाई दे जाइछि सेपरि भारत एबे शिल्प उपकरण लुहा स्टील परि अन्य धातु रप्तानी उपरे प्रतिबंधक लगाइछि एथिरे खाद्य ओ कृषि उत्पाद शामिल रहिछि भारत चीन मध्यरे उत्तेजना एबे प्रभावहीन 2017 रे दुई देश मध्यरे 84 अरब डॉलर रेकॉर्ड कारबार भारत ओ चीन मध्यरे जारी वाणिज्य कारबार उपरे दुई देश मध्यरे जारी उत्तेजनार कोनोसी प्रभाव पड़ी नाही 2017 रे एही दुई शक्तिशाली देश मध्यरे कारबार 84 अरब डॉलर रे पहुंचिछि अर्थात 5,47,982 कोटी टंका दुई देश मध्यरे डोकलाम विवाद ओ अन्य प्रसंग को नै मतभेद उत्तेजना सत्वे कारबार रेकॉर्ड स्तर रे पहुंचिछि शेषरे बीजेडी रु बहिष्कृत हेले कॉर्पोरेटर रंजिता विश्वाल दल विरोधी कार्य सह असामाजिक तत्वक सह संपर्क अभियोग कटक महानगर निगम 7 नंबर वार्ड रो बीजेडी कॉर्पोरेटर रंजिता विश्वाल को बीजेडी रो प्राथमिक सभ्य पद रु बहिष्कार करा जायछि दल विरोधी कार्य एवं असामाजिक तत्वक सह संपर्क थिबा अभियोग भितिरे रंजिता को बीजेडी कटक जिला सभापति प्रताप जेना बहिष्कार करचंती डी ब्रदर्स को सहयोग करथुवा अभियोग रे रंजिता को कमिशनरेट पुलिस तांगा बासभवन रु गिरफ करिछि धलसामंक टार्गेट रे एबे विधायक एसपी आईआईसी बालीघाट नीलाम धरिथिबा विजयपाल को हत्या पई होइथिबा योजना रो पर्दाफाश सामना को आसीछि चांचल्यकर तथ्य सुशांत और सुशील धलसामंक टार्गेट रे रहिछंती बारबाटी कटक विधायक देवाशीष सामंतराय एसपी प्रमोद रथ चावलियागंजा थाना आईआईसी अजय दास एवं गीता महंती भुवनेश्वर झाड़पड़ा जेल में थिबा सुशांत धलसामंक निर्देश रे एमानकु हत्या करबाकु योजना प्रस्तुत होईछि विजयपाल हत्या उद्यम घटना रे पुलिस मिकु ओरफ मृत्युंजय नायक सदा नायक रंजिता विश्वाल एवं कुना बेहरा को गिरफ्त करबा परे एभली षड्यंत्र रो सूचना मिलिछि खणी मालिकंकु लागिला शक्त आघात 7552 कोटी रो तंड गणिबे खणी मालिक
ଲିଜ୍ ରଦ୍ଦ ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜରିମାନା ପୈଠ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 56 ଜଣ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ନଦେଲେ ଓପିଡିଆର୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖଣି ଲିଜ୍ ବି ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଚୁଟକି ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।